हाय एवरीवन, मैं सुनीता खन्ना आज आपको सफ़ेद चने की रेसिपी बता रही हूँ। इसके लिए मैंने एक कटोरी चने लिया है जिसे मैंने रात भर भिगोया था और उसे तीन चार बार धो दिया है। थोड़े लहसुन और तीन मीडियम साइज के प्याज, इनको मैं बारीक चॉप करूँगी। और फ्रेश कोकोनट है, इसे मैं इसकी पेस्ट बनाऊँगी। और दो हरी मिर्ची, अदरक, टमाटर और ये मैंने धनिया की स्टेम लिए, इसकी भी मैं एक पेस्ट बनाऊँगी। हरा धनिया, थोड़े खड़े मसाले पाउडर, मसाला हल्दी, धनिया पाउडर, मिर्ची और गरम मसाला। मैंने चनों को कुकर में डाल दिया है और उसमें तीन कटोरी पानी डाला है। अब मैं इसमें स्वादानुसार नमक डाल रही हूँ और एक पिंच मैं उसमें मीठा सोडा डाल रही हूँ। अब मैं कुकर को बंद करके गैस पर रखूँगी, उसे 4 से 5 सीटी लगाऊँगी और उसके बाद कुकर ठंडा होने के बाद आपको दिखाऊँगी। मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाला है और नारियल को छोटा छोटा कट कर दिया है, इसे मैं थोड़ा सा भूनूंगी। और कुकर में हमारी 5 सीटी हो गई है और कुकर को मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है जब तक मैं तड़के की तैयारी कर रही हूँ। इसे मैं कलर चेंज होने तक थोड़ा थोड़ा भूनूंगी। नारियल को मैंने थोड़ा सा भून लिया है। अब इसमें टमाटर, अदरक, मिर्ची और धनिया की स्टेम डाल रही हूँ, इसे भी डालने तक मैं सॉफ्ट होने तक भूनूंगी। टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं गैस को बंद कर रही हूँ और उसे ठंडा होने रख रही हूँ और इसकी एक पेस्ट बनाऊँगी। उसी कढ़ाई में मैंने थोड़ा और तेल डाला है, तेल हमारा गर्म हो गया है। अब मैं उसमें जीरा और खड़े मसाले डाल रही हूँ और उसमें हींग डाल रही हूँ। जीरा हमारा लाल हो गया है। अब मैं उसमें प्याज, लहसुन और कड़ी पत्ता डाली हूँ जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया, उसे मैं कलर चेंज होने तक भूनूंगी। प्याज का कलर हमारा चेंज हो गया है। अब मैं इसमें 2 सूखी लाल मिर्ची डाल रही हूँ और उसमें पिसे हुए मसाले डाल रही हूँ जिसमें मैंने 1/2 चम्मच जीरा पाउडर भी डाला है। इन सबको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। अब मैं इसमें नारियल की पेस्ट डाल रही हूँ। और इसे भी मैं 2 मिनट तक भूनूंगी। मसाला हमारा भून रहा है और मैंने कुकर को भी खोल लिया है। चने हमारे अच्छी तरह गल चुके हैं एकदम। अब मैं वापस मसाले को भून रही हूँ, उसके बाद उसमें चने डालूंगी। मसाला हमारा भून चुका है। अब मैंने जार में थोड़ा पानी डाला है, अब वो कढ़ाई में डाल रही हूँ और थोड़ा सा उसे और भी भून रही हूँ। मसाला हमारा भून चुका है। अब मैं इसमें चने डाल रही हूँ। इसे मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी और इसे 7-8 मिनट तक मीडियम गैस पर पकाऊँगी ताकि इसमें मसाले अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। चनों को मैंने 7-8 मिनट तक मीडियम गैस पे पकाया है। चने हमारे तैयार हो चुके हैं। अब मैं गैस बंद कर रही हूँ और इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डाल रही हूँ और इसे सर्व करके दिखा रही हूँ। चनों को मैंने सर्व कर दिया है और ये खाने के लिए रेडी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। थैंक यू।